नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने पर पाकिस्तान ने मानी हार, पाक विदेश मंत्री ने माना यूएन सुरक्षा परिषद में समर्थन मिलना मुश्किल। लाल किले पर फिर मिली आतंकी हमले की सूचना, पतंग और ड्रोन उड़ाने पर लगी रोक, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को जाएंगे अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। और जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, अलगाववादी नेता गिलानी सहित आज के ट्विटर खाते बंद। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने और सूबे के पुनर्गठन को लेकर पाकिस्तान ने भले ही इंटरनेशनल फोरम पर इस मुद्दे को उठाने की कई कोशिशें की हों, लेकिन दुनिया भर के जो देश हैं उसे पाकिस्तान को भाव नहीं मिला। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा किस तरह से फेल हुआ, इसका जिक्र खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री अहमद शाह कुरैशी ने भी किया। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री अहमद शाह कुरैशी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को समर्थन मिलना मुश्किल है, हमें मूर्खों के स्वर्ग में नहीं रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानियों और कश्मीरियों को जद्दोजहद करनी होगी क्योंकि उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस व उसके बाद आतंकी हमले होने के इनपुट्स मिले हैं। खुफिया एजेंसी से दिल्ली पुलिस को दिए गए इनपुट्स में कहा गया है, ये जो इनपुट्स मिले हैं उनमें कहा गया है कि जो ये आतंकी हमले हैं उसमें सरकारी वाहन का इस्तेमाल हो सकता है। जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद जो आतंकी हैं वो बौखलाए हुए हैं और वे भारत में आतंकी हमला कर सकते हैं और दिल्ली उनका टारगेट है। आपको बता दें कि आतंकी हमले के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। आतंकी हमले के इनपुट्स मिलने के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में लाल किला है, लाल किले पर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं और लाल किले की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद जो इंतज़ाम है वो किए गए हैं। और साथ ही उत्तरी जिला DSP नूपुर प्रसाद ने बताया कि लाल किले के आसपास व दिल्ली में ड्रोन उड़ाने और पतंग उड़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। लाल किले की सुरक्षा के लिए 10 सुरक्षा कंपनियां तैनात रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। 22 सितंबर को इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भारतीयों को संबोधित करेंगे। भारतीय अमेरिकी समुदाय के सम्मेलन हाउडी मोदी में शिरकत करने के लिए अब तक करीब 40,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। हाउडी का मतलब होता है हाउ डू यू डू। अमेरिकी सीनेटर जॉन कॉर्निन ने कहा कि टेक्सास के लाखों भारतीय अमेरिकी की ओर से और सीनेट इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष तौर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी का ह्यूस्टन में स्वागत करता हूं। मोदी अमेरिका में भारतीय समुदाय को तीसरी बार संबोधित करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि 2014 में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन और 2016 में सिलिकन वैली में वह भारतीय समुदाय को संबोधित कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ने ट्विटर से अफवाह फैलाने वाले 8 अकाउंट्स को बंद करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि ये जो 8 अकाउंट हैं इनमें अलगाववादी नेता शहद अली शाह गिलानी का अकाउंट भी शामिल है। इसके अलावा जो 8 अकाउंट बंद करने के लिए कहा गया है उनको मैं आपको बता देती हूँ कि वो अकाउंट्स हैं, उनमें वॉइस ऑफ कश्मीर, मदिहा शकील खान, अरशद शरीफ, मैरिस कली, शहद अली शाह गिलानी, सदफ रियाज खान के नाम हैं। आईटी मंत्रालय का अधिकारियों का कहना है कि सिफारिश आईटी एक्ट के तहत की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अकाउंट कश्मीर और धारा 370 पर भारत के विरुद्ध अभियान चलाने से जुड़े हैं। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए नजर डालते हैं अगली खबर पर। कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के साथ अनौपचारिक बात करनी भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियां गठबंधन के लिए राजी हो सकती हैं और भाजपा के विजयी रथ को रोकने के लिए प्रयास कर सकती हैं। पिछले हफ्ते बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने TMC के लोकसभा चीफ विहिप कल्याण बनर्जी से लगभग आधे घंटे बातचीत की। बातचीत में राहुल ने बनर्जी से पूछा था कि वह राज्य में किसे अपना दुश्मन मानते हैं। उन्होंने राज्य में दोनों पार्टियों के समन्वय को बढ़ाने की भी बात कही।
आखिरी निर्णय जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेना है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद है उसकी जिम्मेदारी सोनिया गांधी ने ले ली है। आपको बता दें कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथों में ये जो जिम्मेदारी ली गई है इसको लेकर शिवसेना ने पार्टी पर निशाना साधा है। अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने कहा है कि कांग्रेस जो है दिल्ली का मीना बाजार बन गई है, जहां सिर्फ पुराने ग्राहक घूमते नजर आते हैं। शिवसेना ने लिखा है कि पूरा देश आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले से खुश है और इस फैसले का स्वागत कर रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी 370 के मकर जाल को अपने शरीर से दूर करने को तैयार नहीं है। ग्रेस के पतन के लिए मोदी और शाह, कांग्रेस का जो पतन हुआ है उसके लिए मोदी शाह जिम्मेदार नहीं होकर उन्होंने कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। 73 साल की सोनिया गांधी के कंधों पर भार सौंप कर कांग्रेस ने बचा कुचा जो सत्व भी गंवा दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को सुबह 10 बजे करीब वाराणसी एयरपोर्ट पहुंची। इसके बाद वह सोनभद्र के उंभा गांव जाएंगी। यहां वह भूमि विवाद में मारे गए लोगों के आश्रितों से मुलाकात करेंगी। सोमवार को प्रियंका गांधी वाड्रा के सुरक्षा कर्मियों ने कार्यक्रम स्थल का भ्रमण कर जायजा लिया। उधर इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। उंभा गांव में 17 जुलाई को आदर्श कृषि सहकारी समिति की जमीन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था। इसमें प्रधान पक्ष के लोगों ने 10 लोगों की हत्या कर दी थी और 24 लोगों को घायल कर दिया था। पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने प्रियंका गांधी के आगमन के मद्देनजर उंभा समेत आसपास के गांवों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी है और साथ ही उन्हें संदिग्धों पर पैनी नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान में राज्यसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 4 सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट उनके प्रस्तावक बने हैं। गौरतलब है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के निधन के बाद राजस्थान में राज्यसभा की यह सीट खाली हुई है। राज्य की जो 9 सीटें हैं वो भाजपा के पास हैं। इस एक सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा जो है भारी नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं खेलों की खबरों की तरफ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट को 2028 में ओलंपिक में शामिल करने की कोशिश में जुटी हुई है। वो इसको लेकर हर संभव कोशिश कर रही है। इस बात की जानकारी एमसीसी क्रिकेट समिति के चेयरमैन माइक गेटिंग ने दी है। गेटिंग ने कहा कि हम मनु सुहाने से बात कर रहे थे और वह इस बात को लेकर बेहद उम्मीद में है कि क्रिकेट को 2028 के ओलंपिक खेलों में जगह मिल सकती है। इस पर वह मजबूती से काम कर रहे हैं। यह वैश्विक स्तर पर क्रिकेट के लिए बड़ी बात है। बता दें कि क्रिकेट एशियन गेम्स और 1998 में कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा रह चुका है। अब साल 2022 में बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार। ना फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल। तभी तो नंबर 1 है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए।